रखा है? हम सब ठीक हो गए हैं, हम सब ठीक हो गए हैं। चुप, एक एक करके बताओ। एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, एक कर। हम सब ठीक हो गए हैं, हम सब ठीक हो गए हैं, हम सब ठीक हो गए हैं, हम सब ठीक हो गए हैं। ओके, अभी चेक कर लेती हूँ। ये नहीं, तुम बताओ। जी मैं फिट हो गया हूँ। तुम कोई नट हो जो फिट हो गए हो? नहीं नहीं, मैं पहले बट था, फिर नट हो गया, अब मैं नटखट हो गया हूँ। अच्छा ये बताओ कि अकल कहाँ होती है? इतना भी नहीं पता अकल कहाँ होती है, वही डॉक्टर की बड़ी बिरती है। अकल अकलमंद के पास होती है। मेरा कहने का मतलब है कि अकल जिस्म के किस हिस्से में होती है? अच्छा, वो तो सबको पता, अकल गिट्टों में होती है। देखिए ना, अगर गिट्टों में अकल ना हो तो बंदा चल नहीं सकता। अनफिट, बिल्कुल अनफिट। चलो तुम भी दफा हो जाओ यहाँ से। चलो, मैं नहीं बोलता। टैक्सी करा ले पागल, अब मेरे पास अपनी कार है। और आप बताएं? अकल जो होती है ना, अकल हाथों में होती है। अच्छा, वो कैसे? अगर अकल हाथों में ना होती तो हाथ कैसे चलते? बिल्कुल अनफिट। चलो तुम भी दफा हो जाओ यहाँ से। चलो, ड्रॉप कर दूं? तुम पास आओ। मैं ना फिट हुआ हूँ, ना मिसफिट और ना ही अनफिट। मैं तो हुआ हूँ दुरफिट, बिल्कुल दुरफिट। पूछे मुझसे कोई सवाल, मैं तो करोड़पति प्रोग्राम में भी जा सकता हूँ। मुझसे कोई मुश्किल सा सवाल पूछिए। मैंने कहा ना, यही सवाल काफी है। ये अकल वाला सवाल मेरे अकल के शाया निशान नहीं है। अब इसी को अपनी शान समझें और बताएं कि अकल कहाँ होती है। चुप। अकल जिस्म में होती ही नहीं, अगर जिस्म में अकल होती तो सारे अकलमंद ना होते। तुम बिल्कुल अनफिट हो और अब तुम यहाँ से दफा दूर हो जाओ। चलो, और तुम इधर आओ। मैं? तुमने तीन को बुलाया, तुम इधर क्यों नहीं आए? शट अप, इधर आओ। ना तो जी मैं अकलमंद हुआ हूँ, ना तंदुरुस्त। अच्छा तो फिर तुम इनके साथ क्यों हो? मैं सेहतमंद हो गया हूँ, यानी कि तंदुरुस्त हटा घटा। लेकिन केस तो तुम्हारा भी वही है। मेरा केस बिल्कुल ठीक हो गया, अब मैं केस नहीं रहा। अच्छा ठीक है, तुम बताओ कि अकल कहाँ होती है? दिमाग में। वेरी गुड, तुम ठीक हो गए हो, अब तुम जा सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ठहरो, एक बात तो बताओ, तुमने ये कैसे जाना कि अकल कहाँ होती है? ये गुर्दा किस लिए है?